हमारे बाप दादा भी यहीं रहे हैं और हम भी रहते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पे फ्री होल्ड भी मकान है, और हाउस टैक्स भी दिया जाता है, बिजली का बिल भी दिया जाता है, पानी का बिजली। ये रेलवे की जमीन बिल्कुल नहीं है इसमें से, कहीं से हाउस टैक्स है आप लोग जी, देश तक की है, कॉपी दिखा रहे हैं हमें सर, एक मिनट, हाउस टैक्स देते हैं, ये 2023 तक का जमा है, अभी देख लीजिए जहाँ आप खड़े हैं, 2023 तक का हाउस टैक्स जमा है अभी तक नगर निगम। अगर ये रेलवे की जमीन थी तो हाउस टैक्स को लिया, अब क्यों प्रतिबंध नहीं करा? सवाल इनका जायज है कि नगर निगम 2023 तक आपने हाउस टैक्स दिया है? कागज ये है, कागज है, और हाउस टैक्स तो आपने नगर निगम में पूछा कि भाई आपने हाउस टैक्स कैसे ले लिया? बनी नहीं है पार्टी, फिर भी नहीं करी। आप खड़े हैं नीचे, सिविल लाइन बिछी हुई है गवर्नमेंट, सिविल लाइन है गवर्नमेंट की। सर एक मिनट, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर सिविल लाइन बड़ी हुई है, बचपन से हम यहाँ पर बड़े हो गए, हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, हमारे माँ बाप भी इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन आज तक विकास नहीं हुआ, और बल्कि हमें उजाड़ा जा रहा है। इनका कहना है उजाड़ा जा रहा है कुछ और लोगों से। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बात करते हैं इस तरफ, थोड़ा सा आप इधर हटिए, आप बताइए साहब। सर ये स्कूल क्या लीगल लग रहा है आपको? सर ये तो सरकारी है, तो ये सरकारी पे कैसे बन गया? हम सब लोग लीगल हैं क्या? इनका कहना है स्कूल बन गए, पूछ रहे हैं मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। सर आप बताइए कि स्कूल लीगल है क्या? सर सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पर, हॉस्पिटल है सरकारी, कॉलेज है सर, वो कैसे बन गए फिर? और स्कूल है, आप देखिए सिस्टम की विडंबना देखिए, सरकारी अस्पताल बन गया, सरकारी स्कूल बन गया, मंत्री जी आए फीता काट दिया, किसी की सरकारों में, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन बड़ा सवाल है आज ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि साहब हमारा तो घर है, लेकिन क्या ये स्कूल बनाने वाले, ये कॉलेज बनाने वाले, ये सड़कें बनाने वाले, ये सिविल लाइन बिछाने वाले, क्या इनमें से किसी को पता नहीं लगा? ये तो बड़े बड़े पढ़े लिखे बाबू साहब हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, इन अधिकारियों ने क्या किया? तो आपको नहीं लगता कि अगर तो इन अधिकारियों से भी सवाल पूछा जाना चाहिए जो इतने इतने साल से यहाँ रहे? लेकिन सर गलत हो रहा है हमारे लोगों के लिए, बस्ती में ये गलत है। आप बोलिए। मेरे पास जो है लीज की जमीन के पेपर भी हैं, रजिस्ट्री के भी है, फ्री होल्ड के लिए मैंने जो है फीस भी जमा कर दी है, सब कुछ हमारे कंप्लीट पेपर होने के बाद भी, उसके बाद भी जो है रेलवे वालों का जो है यहाँ पर इन्होंने अपना जो है खम्भे गड़वा दिए गए, जबकि रेलवे की जो जगह जो है ना वो गोला के अंदर उस साइड में थी, पीछे बहुत दूर है। जब पानी आया तो पानी ने आके उसको काटा, तो इन्होंने पटरी और 100 फुट इधर डाल दी, फिर पानी आया फिर 100 फुट डाल कर शहर में घुस गए। अब शहर में घुस गए, शहर इनका हो गया क्या? रेलवे वालों को तो नहीं हो जाएगा ना? अभी हम लीज की रजिस्ट्री की जगह पर हम बैठे हुए हैं, और बट जो है रेलवे वाले कह रहे कि हमारी है, और नगर निगम पार्टी बनने के लिए तैयार ही नहीं। अगर नगर निगम पार्टी बनता तो उसके लिए क्या कहते हैं, नजूल की भूमि ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है, यहाँ तक ही हमारी जगह है, बोली नहीं नगर निगम, बोली नहीं, यही मैटर सारा हो रहा है बस इसी वजह से सारा। सर यहाँ पे 2 सरकारी स्कूल है और 6 जो है प्राइमरी स्कूल है वो भी सरकारी है, बाकी हॉस्पिटल है यहाँ पर, वो सब उसी वही जमीन है जिसको अवैध कहा जा रहा है। नहीं आपको यहाँ ये माहौल, आपको ये इलाका देखकर क्या लग रहा है इसको, आप ये बताइए ना, आप ये एक बार यहाँ की पूरा बस्ती घूमिए, उसको देखिए क्या लग रहा है आपको, इससे आप खुद समझ जाएगा क्या चीज है क्या नहीं है, बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप खुद देखेंगे ना यहाँ। इसीलिए हैरान हूँ। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।